बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो है जी उर्दू की बुक पर। उर्दू की बुक का नाम है गुले लाला, पांचवीं जमात की किताब है। और आज हम आपके साथ यूनिट नंबर 4 का लेसन नंबर 2 शेयर करेंगे। लेसन नंबर 2 का क्या नाम है वो भी बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए जी, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। ये है जी हमारे लेसन का नाम। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं डायरेक्ट। और इसमें सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज आ जाते हैं। सबसे पहला, निशाने हैदर को डैश को मिला मोहम्मद सरवर शहीद को मिला। कर्नल शेर खान निशाने हैदर पाने वाले डैश फौजी हैं, 9वें फौजी हैं। कर्नल शेर खान के दादा ने उन्हें डैश का लकब दिया कर्नल का। कर्नल शेर खान का यूनिट डैश के मकाम पर दुश्मन फौजियों का मुकाबला कर रहा था कश्मीर। 1994 में कर्नल शेर खान डैश में तैनात हुए, सिंध में यानी सिंध के एक एरिया में हुए थे। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला है सवाल जवाब। पहला सवाल है, निशान हैदर क्या है और उसका ये नाम क्यों रखा गया? तो इसका आंसर भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आंसर देखिए, निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है। शेर खान शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक नाम हैदर भी है जो उनकी वालदा ने रखा था। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी कहाँ वाक़ है? काकुल एकेडमी एबटाबाद में वाक़ है। कर्नल शेर खान किस इलाके की चोटियों का दिफा कर रहे थे? आंसर, कर्नल शेर खान ये देखिए, कर्नल शेर खान कारगिल की चोटियों का दिफा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक फौज ने कम नफरी का जलाला किस तरह से किया? उन्होंने अहम टैंकों पर हमला करके और दुरुस्त निशाने लगाकर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। शेर खान की चंद आदात बयान कीजिए। शेर खान को मुताले का बहुत शौक़ था, वो पढ़ाई और खेल साथ साथ लेकर चलते। अगला आ जाता है हमारे पास कवायद, और कवायद में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 है ये रहा। इसमें आपने ये अल्फाज दिए गए हैं जिनके आपने जुमले बनाने, जैसे आलिम आलिम, कसम किस्म, बल बिल, इनके आपने जुमले तहरीर करने हैं। ये है आज की वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट लेसन शेयर करूँगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।